फादर के खिलाफ बेबुनियाद झूठा केस सन 2015 अकाली सरकार के टाइम किया गया सीगा। जिन्हां ने भी इहदे च कोई मिली भुगत ना उन्हें मूंह तोड़ जवाब देवांगे। सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर की कंटेंप्ट करके साडे ते एक झूठी एक ECIR कट के साडे ते रेड की। 50 साल का पब्लिक सर्विस के अंदर उन्होंने सेवा की है। जे इदा का कोई साढ़े से इल्जाम हों 50 साल कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो पहले सत श्री अकाल, धन्यवाद तुम सारे इतने आए हो साडा पक्ष सुन। अज मेरे फादर नू मोहाली कोर्ट स्पैशल कोर्ट के अंदर पेश किया जा रहा है रिमांड लई। कल रात नू एक दिन का रिमांड मिलिया सी बिकॉज जुरिसडिक्शन नहीं सी उस कोर्ट कोल। सो अज दे दिन वास्ते केस रखा गया, हजे साडी हेयरिंग पेंडिंग है। मैं बस तुहानू सारयां नू यही दसना चाहुंदा क्योंकि अखबारां विच सिर्फ एक 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 पासे का वर्जन आंदा है, सिर्फ सरकारी वर्जन आंदा है कि जी इस केस विच XYZ या काम होए। मेरा पक्ष या साडा पक्ष सुनना भी बहुत जरूरी है। धन्यवादी हाँ मैं तुहाडे सारयां दा, तुसीं इत्थे आ के साडा पक्ष लोकां तक लैके जाण नू तुसीं इत्थे पेश होए हो। ये केस जो है ये मेरे फादर के खिलाफ बेबुनियाद झूठा केस सन 2015 अकाली सरकार के टाइम किया गया सीगा। ये NDPS का केस सीगा, साढ़े हल्के दे एक कांग्रेस वर्कर का एक अरैसट किया गया सी फाजिलका बॉर्डर एरिया के लागे। उस केस में जेडे मेन अक्यूज सीगे उन्हां दा ट्रायल चलिया, उन्होंने 2 साल उन्होंने ट्रायल चलाने तो बाद उन्होंने सज़ा की गई। जब उन्होंने सज़ा की गई उस तो बाद मेरे फादर नू पोलिटिकल रीजनस करके, क्योंकि उन्होंने उस टाइम लीडर ऑफ ओपोजिशन होंदे हो, उन्होंने बड़ा वड्डा एक चोर मंत्री फड़ा आया सीगा, ओदी ओदे ते कार्रवाई कराई सी, ओदा इस्तीफा दवाया सी। उस पोलिटिकल वंडेटा ते करदे 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 अज असीं इत्थे पहुंचे हां। 2017 जब एक पासे NDPS केस विच मेन अक्यूज नूं 20-20 साल की सज़ा दे दित्ती गई, नाल दी नाल ही सज़ा देण तों बाद मेरे फादर नूं 319 समन किया गया। असीं उह लड़ाई हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने सानूं कुछ राहत दित्ती। उस तो बाद असीं सुप्रीम कोर्ट गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2017 उस केस दे उत्ते रोक लगा दित्ती, स्टे करा दित्ती। लेकिन अज 2021 9 मार्च 2021 नूं इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने साडे घर रेड कीती, तुहानूं सारयां नूं पता ही है। वह जो रेड सी, सब तो पहले मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, वह अनकॉन्सटीट्यूशनल रेड सी, इलीगल रेड सी। वह अपने हकों तो अधिकारों तो बाहर जाके ED ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर की उलंघना करके, सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर की कंटेंप्ट करके साडे ते एक झूठी एक ECIR कट के साडे ते रेड कीती। उस तो बाद एक पिछले 9 महीनों मेरे फादर घट तो घट 12 बार आप वॉलंटेरली ED के सामने पेश होए ने। जो जो सानू समन किया गया, मैनू समन किया गया, मैं उत्थे जाके पेश होया। ये सारा जो इन्हां ते इल्जाम ला रहे ने, इल्जामां ते भी मैं आऊँगा। एक इन्हां दी मैं तुहानूं दसदा हरकत की, अज तक इन्हां ने सानू ये नहीं दस्या कि किस आधार से मेरे फादर नूं इन्हां ने अरैसट किया। ग्राउंड्स ऑफ अरैसट एक कोर्ट नूं दसदे ने सानू, ज़्यादातर कोर्ट प्रोसीडिंग्स में इदा होंदा, मेरे दोस्त वकील साहब खड़े ने, ग्राउंड्स ऑफ अरैसट जिहड़ा बंदा अरैसट हुंदा उन्हूं दसे जांदे ने। लेकिन साडे केस विच इदां दी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बेबुनियाद इल्जाम ने एक 6 साल पुराने केस विच मेरे फादर नूं गलत तरीके विच इंटेंगल करके उन्हां नूं फसाया जा रहा है। ये सारा नतीजा सच बोलन दा है। मेरे फादर ने ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਨੇ। 2007 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1997 ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਕੋਈ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 6-6, 8-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ED ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ED ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, 11 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 11 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਅਸੀਂ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਾਗਜ਼, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ,
मेरे फादर नूं समन तुसी चेक करवायो। दस तरीक दा समन सीगे, 10 तरीक नूं असीं उत्थे पेश होए। मेरे फादर उहनां सारा दिन कोई कार्रवाई नहीं की। पापा कहिंदे कि चलो तुसीं अज काम नहीं कर पाए, मैं कल फिर आ जाना। 11 तरीक दे कोई समन नहीं सी, असीं अपने वल्लों कोऑपरेशन दिखाउण वल्लों 11 तरीक नूं पेश होए, लेकिन 11 तरीक नूं 3 बजे मैनूं फोन आया कि उहनां नूं अरैसट किया गया। जिहड़े भी एलीगेशन ने सर, साडे कोल कल्ले कल्ले पैसे दा जवाब आ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਸਟੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨ
रेड की गई थी उस टाइम ईडी वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज की गई थी कि जी झूठे पासपोर्ट का केस है। अज या कल इन्होंने बहस की पासपोर्ट का तो कोई जिक्र ही नहीं किया उन्होंने कि पासपोर्ट के फेक पासपोर्ट असी बना देंगे बना के देंगे कि साढ़े से इस गल का सानू कोई इन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाए ना तो इन्वेस्टिगेशन च इन्होंने कोई सवाल किया साढ़े तो छे महीने अठ महीने 100% पोलिटिकल वेंडेटा है सर 100% पोलिटिकल वेंडेटा है। मेरे फादर विसल ब्लोअर है मेरे फादर हिम्मत रखते हैं लोगों लिए खड़न वास्ते ता करके उन्होंने अज बिल्कुल होगा जी जो ये अजे ना गल बाद करा अज की कार्रवाई मेरे रिमांड तक सीमित है जिन्होंने जिन्होंने भी ए कोई मिली भुगत उन्होंने मूँह तोड़ जवाब देवे असं टाइम आने $1,00,000 पहली गल दसोगे जेब च पा के लेके आ सकते हो 2016 अरविंद केजरीवाल के कहने अज झूठ बोलते हैं झाड़ू वाले इन्हों शर्म आनी चाहिए है 2016 मेरे फादर का प्रोग्राम 16 शहर केजरीवाल ने बनवाया उन्होंने कहा जाके तुसी फॉरन NRIs विच तुसी फेमस हो तुसी NRIs के सामने जाके उन्होंने दलील करो उन्होंने पैसे लवो मेरे फादर साढ़े को फोटोज है मैं फोटोज रिलीज करूंगा सारे मेल की पोस्टर बनाए गए ने मेरे फादर के नाम से कि जी खैरा साहब आ रहे हैं तुसी मीटिंग से आओ साइड से टेबल रख्या होंदा सी कि तुसी इत्थे डोनेशन दे के जाओ जो अपने पंजाब ही करते हैं लेकिन जब ईडी ने इन्हों समन किया उत्थे जाके 100% मुकर गए इदा के झूठे लोग ने इन्हों तो बच के रहना बहुत जरूरी है। साहब ने पहला क्यों नहीं चुकी है गल जी फंडिंग की गल करो अरविंद केजरीवाल ने क्या उत्थे जाके तुसी मिलो सारी चकते रहे हैं जी ये हूँ सानू जब अरेस्ट किया तो सानू एक क्वेश्चन पुट किया मेरे फादर ने सारा मैं तुहानू ईमेल करूंगा और जो ईमेल मेरे फादर ने आईओ नू भेजी है आईओ ने ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया आईओ ने ऑन रिकॉर्ड नहीं कानूनी गल्लां ने मैं जानता है साडा डिफेंस है मैं तुहानू दसना भी नहीं चाहिए बट मैं अपना यह दसना चाहना कि असीं सच्चे हैं असीं आईओ नू सारा डॉक्यूमेंट्स भेज दिते हैं उस समय क्यों नहीं गल्लां कीतियां गईयां उस समय भी रेड रेड होई है रेड दे टाइम ओ तुहानू सवाल नहीं ना पुछदे जी रेड दे अंदर क्वेश्चनिंग नहीं होंदी मीडिया नाल गलबात हुई सी उस तो भी बिकॉज़ इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग सी वी कैन नॉट डिस्क्लोज हुन जद बिल्कुल ही ओपन हो गया अरेस्ट कर दिता इस ग्राउंड ते सामने आके इन्होंने सानू कल कोर्ट विच ये गल्लां कहीयां तां सानू पता चले। अलीशा बेगम एक औरत दा दुख एक औरत ही समझ सकती है रूहानी अते काली शक्तियां दी मालकन दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है मेरे कीते नू कोई कट नहीं सकदा काला इल्म करना अते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं परेशानी जिवें लव मैरिज पति पत्नी च झगड़ा सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस बुरे सपने विदेश यात्रा बुरी संगत जां नशा छुड़ाना बीमारी च दवा ना लगना वशीकरण एक सच्चाई है वशीकरण करवाओ मन चाह प्यार पाओ की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं सच्चाई जानो लॉटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी जां कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो तुहाडी हर गल गुप्त रखी जावेगी। अलीशा बेगम वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान एक ही बार गोल्ड मेडलिस्ट सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो जिवें चाहोगे ओवें होएगा इट्स माय प्रॉमिस इमीडिएटली रिजल्ट ओपन चैलेंज इल्मा दे माहिर ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल वशीकरण अते मुठकरनी लव मैरिज सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा पक्का काम पक्का हल 101% गारंटी अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी झगड़ा पति पत्नी चनबन जां दुटोना मनमोहणी वशीकरण करवाओ जां तुड़वाओ रुसे नूं मनाओ हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98199 37467।